देख सकते हो ये भी थोड़े छरे लगे हैं। जिन्ना मन दबेंगे ना भाई उन्ना हमें ऐसा उपर उठना भी उपर इतने रावण वर्गे नहीं रहे जिन्हों की सोने की लंका सी इतने औरंगजेब वर्गे नहीं रहे जिन्हां ने पूरी दुनिया नूं गुलाम बनाया थी। साह दे चुभन लगे अखां तुसीं देख सकदे हो नक्क दे चुभन जलन हो रही है बहुत तेज ज्यादा जलन हो रही है। अगर डर गए तो मर गए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। की हाल चाल है दोस्तों एक बार फिर तो स्वागत है चैनल मैं थोड़ा दोस्त जसबीर सिंह मैं आज आया हाँ किसान मोर्चे से जो कि शंभू बैरियर से है शंभू बॉर्डर से तुम देख सकते हो सामने किसानों का संघर्ष चलता पे। ये देखो जी एक ही लगे वीर जी थोड़े बंब गोले सट रहे। अच्छा जी ये देखो देख सकते हो तुम बंब लगे इन्होंने वीर जी के ब्लड आ गया इधरों गोला। ये देखो ये नक तो तुम देख सकते हो ये भी थोड़े छरे लगे हैं मेरे दा बच्चे का संघर्ष देखो चल रहा है सामने बोर्ड लगे अंबाला 12 किलोमीटर है सामने ये सारे न्यूज़ चैनल वाली बहन खड़ी हैं इधर। पारा सिद्धू है ये सामने जो बैठे ब्राउन पुरने में पारा सिद्धू है सब तो पहले वड्डी गल यह है कि जिहड़ा पंजाब दे विच नशा है नशे का कोड़ है यह किवें खत्म किया जाऊ मैं जेल दे विच गल सीख के आया मैं चार चार पांच पांच घंटे बाणी पढ़ता रहा जो तुम बाणी पढ़ोगे तुम्हें गोलियां गुलियां किड़े से किसी पास लगी जाने बाणी पढ़ो फिर बाणी से लड़ लगो गुरु ग्रंथ साहब महाराज से लड़ लगो। दोस्तों देखिया ये सीगा पाना सिद्धू ये भी एक्टिविस्ट है पंजाब विच बिल्कुल मैं पॉइंट पे जाके दिखा रहा हूं ये सामने संघर्ष चल रहा है इनका ये देखो ये पूरे इधर किसान खड़े हैं तैयार भर तैयार हाथी बोरियां लेके ये देख सकते हो बोरियां गिली हो रही हैं आंसू गैस से ताकि जद कि जद आंसू गैस छुटे तो उसके ऊपर गिली बोरी गिर के उन्हें बंद कर सकन। ये देख सकते हो तुसी बोरियां लेके खड़े हैं तो सामने गोले धक्के जा रहे हैं तो इधर आके गिर रहे हैं ये देखो ये नौजवान लोग जेड़े इधर तैयार पर तैयार खड़े हैं संघर्ष लिए सो सामने गोला धक्के इन्होंने वो गिरा जी सामने वो देखो मैं कहना मोदी खट्टा और भगवंत मान होश करो ये होश है वो तुसी हिटलर तो भेड़े निकले इतने रावण वर्गे नहीं रहे जिन्हों की सोने की लंका सी इतने औरंगजेब वर्गे नहीं रहे
जिन्हां ने पूरी दुनिया नूं गुलाम बनाया थी। ओ इत्थे सिकंदर नहीं रहा जिहड़ा कहिंदा सी मैं दुनिया जितनी है। ओ मोदिया ओ तेरी जड़ पट्टी गई ओए। जनता भज रही है, सारे आंसू गैस दे कोल इधर आए है। बाबा जी की है मुंह से एक कोलगेट लाया होया जी सुरक्षा वास्ते। अच्छा जी, मतलब जलन बहुत करता है, एक्सपायरी बंब साडे तो छुट रहे ने ना, जलन करता ना, जलन तो लगे असीं कोलगेट लाया होया। बाकी बोरियां रखी होने, पर बाकी मैं कहना बेनती है मेरी कि अपनी सुरक्षा रखियो, क्योंकि थोड़ा ध्यान हो जाता साडे वल उधर बंब आता पता नहीं लगता। तो कल चार जिहड़े प्रेस वाले बंदे सी ना वो मतलब घायल हो गए हैं, तो असीं तुहानू बेनती करते तुसीं साडा दर्द सुनने इत्थे आए हो पहले थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी, पर तुसीं ना अपना ध्यान रखियो प्लीज़, असीं तां सुरक्षित हैगे आ। मीटिंग चलनी है, मीटिंग चल रही है कि मीटिंग चली हुई है, साडे आगुआं दे हले ऑर्डर आ गए ने, मतलब की करदे आ देखदे आ, बाकी कोई दिक्कत नहीं हैगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਛੋਲੇ ਸਾਰੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। देख सकते हो कि एक तो एक फायर हो रहा है नाल दी नाल। शबर तो आ रही है, ओदे विच असीं भी कल दे शिकार होए आ, कल दे दो गोले साडे भी लगे आ, पहला एक लाते लगा दूजा मुंह ते लगा, फिर रात हॉस्पिटल एडमिट। अज शामी मीटिंग होनी है इन्हां दी, देखो की डिसीजन निकलता इन्हां दा। इधर नीचे देख सकते हो तुसीं, जिन्ना ही रश उपर है उन्नी ही जनता नीचे भी हैगी है। तुसीं देख सकते हो जिदा वॉर चल रही होंदी ना उधर ब्लास्ट हो रहे होंदे, उदा ही ब्लास्ट हो रहे हैं इधर। उधर मिलिट्री खड़ी है और पैरामिलिट्री, और देखो वो आंसू गैस का गोला आया सामने, और देखो धुआं दिख रहा होगा तुम्हें, देखो वो सामने गिरे, वो देख सकते हो तुम, वो देखो वो गिली बोरी लेके आए किसान, तो वो गिली बोरी उधर पा रहे हैं, वो गिरा देखो सामने। मैं ले आया ग्राउंड जीरो ते शंभू बैरियर बॉर्डर ते पंजाब बॉर्डर जिते सामने हरियाणा है, तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे। वो देखो आ गया ड्रोन, आ गया वो उन्हें सटेगा। देख सकते हो तुसीं कितना, अखा ते चुभन लग गया, साह ते चुभन लग गया, अखा तुसीं देख सकते हो, नक्क ते चुभ रहे, जलन हो रही है बहुत तेज, ज्यादा जलन हो रही है। देखो जनता कितना भज रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है अखां नूं। मेरा बाबा जी बहुत ज्यादा जलन हो रही है अखा, देखो लोग अपने अखा तो पानी मारो भाई, पानी ले भाई, मारो अखा, पानी मलो ना जी, भाई मलो ना जी, मलो ना।
ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲੈ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲੈ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਬਸ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲੈ ਮੜਿਓ ਨਾ ਮੜਿਓ ਨਾ ਬੜੀ ਨਾ ਮਾਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੜਿਓ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੜਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਢੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੱਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟੱਪੇਗੇ ਨਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇ ਅੱਡਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਵੀਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਬ ਜੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਥਾ ਇਹ ਆਪਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਥਾ ਇਹ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਆਪਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਬਣਾਏ ਆ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਡਰਾਏਂਗੇ ਕੈਸੇ ਅਬ ਇਹ ਡਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਡਰ ਗਏ ਅਗਰ ਡਰ ਗਏ ਤੋ ਮਰ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਨਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜੋ ਰੀਲੇ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸ ਰੀਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਮ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂਓਂ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇਤਾ ਥੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹਮ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਉਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ 7 ਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੋਡਲ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ अगर इलेक्शनों में उनको जीतना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ये आप ये मत सोचना ये हरियाणा पंजाब का मसला है आपके दिमाग की गलतफहमी है ये कि ये हरियाणा पंजाब का मसला है ये हमें तोड़ने का मसला है ठीक है और जैसे ही ये बॉर्डर टूटेगा और दिल्ली तक बात पहुंचेगी इनकी ऐसी ऐसी फिर जाएगी सबकी तो क्या लगता है कि ऐसी 7 लेयर जो प्रोटेक्शन इन्होंने लगाई है क्योंकि फोर्स भी लगातार वहाँ से जो अटैक कर रही है पर किसानों पर अगर पब्लिक चाहेगी ना तो ये कुछ भी सौदा नहीं है ठीक है इसको तो उखाड़ के साइड में कर देंगे क्या बम है क्या ये लेयर है कुछ भी नहीं है इनको भी अपने नेताओं की जो है आदेश का इंतजार हो रहा है अभी तो बीजेपी खट्टर सरकार ने इसको जायज ठहराया है कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन है ये किसानों को रोकने के लिए जायज है खट्टर के बाप का रोड है ना ये खट्टर जायज ठहराएगा सारा कुछ हो जाएगा जायज मतलब पब्लिक क्या है जनता क्या है जनता तो बेवकूफ है फिर भाई साहब जनता से ही संविधान है और समाज जो है सबसे बड़ा है सरकारें और कानून उससे नीचे आती हैं जितना ये लॉ एंड ऑर्डर जो इतना मेंटेन होता है वो किसके लिए है हमारी सुरक्षा के लिए है या हमें मारने के लिए है ये हो चल क्या रहा है ये डायरेक्ट संविधान के अनुसार मानवता पे हमला है ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है संविधान की आड़ भी नहीं है ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੈ